पाकिस्तान जिंदाबाद जी, तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद, इंशाल्लाह इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, इंशाल्लाह कानून के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह अजीज इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हाँ, कुछ लोगों ने अगर गलत काम किया है उनको सजा जरूर देना मई की, लेकिन बाकी बहुत बड़ी जमात है और पूरी जमात को साइड लाइन करना मुनासिब नहीं है। और इमरान खान साहब ने हमेशा पीसफुल जो है पोलिटिकल मूवमेंट की बात की है और हम भी इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, जो चाहते होगा उसका सामना करेंगे इंशाल्लाह अजीज। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आखिरी जीत लॉ की होगी, कानून की होगी। और मैं दोबारा ये कहता हूँ कि 9 मई को जिन लोगों ने गलत काम किया है उनको जरूर सजा दें, उसमें शरपसंदों का भी रोल है। पूरी तरीके इंसाफ जो है उसको इस तरह में चार्जशीट करना, साइड लाइन करना मुनासिब नहीं है। इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम है, उन्होंने 2 करोड़ वोट लेने वाली जमात है, चारों सूबों में हमारी प्रेजेंस है, हमारी अलहमदिल्ला मरकजी हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, इतने पूरे मुल्क में जो है एक जमात की अपनी प्रेजेंस है, फेडरल जमात है। जिसने गलत काम किया उसको बिल्कुल प्रोसिक्यूट करें, जिसने 9 मई को तोड़फोड़ की है बिल्कुल हम उनके साथ नहीं खड़े, लेकिन ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, शरपसंदगी उसमें है। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने उस दिन तोड़फोड़ की उन्होंने मुल्क का नुकसान किया है, लेकिन उसकी आड़ में दोबारा मैं ये कह रहा हूँ पूरी तरीके इंसाफ जो है वो 27 साल की पीसफुल पोलिटिकल मूवमेंट का नतीजा है। और इमरान खान साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ की जो है वो जीत होगी, इंशाल्लाह इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान होंगे, इंशाल्लाह और कोई नारेबाजी ना करे, इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब के साथ मजबूत खड़ा हूँ अल्लाह के हुक्म से।